ये छोटा सा बच्चा है, आज हम इससे भी बातचीत करेंगे, ये थोड़ा एक्टिव लग रहा है। हालांकि इसका वोट नहीं बना हुआ लेकिन एक्टिव है बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, विकास नाम। विकास, आपके वार्ड का विकास कैसे हो गया, आपको क्या लग रहा है? जी ये भाई तीन उंगली सुभाई की तरफ हो गए, थोड़ा सा एक्टिव है। आज भाई नंबर आपका, उंगलियां मत करो, ये बताओ वोट आपका बना हुआ है? आपके वार्ड के अंदर इतनी सारी समस्या देखने को मिली है, इस बार आपको क्या लगता है? एमसी जो पिछली बार खड़े थे इस बार भी वही खड़े हैं, किस दम पर खड़े हैं मैं यूँ सोच के टेंशन में हूँ। उससे मिलेंगे तो उससे बातचीत करेंगे कि भाई किस मुद्दे से लेकर इस टाइम मैदान के अंदर है। इसी वार्ड तो हो गए, इसी वार्ड तो भाई साहब देखो कितनी यो सीवरेज है देखो, और उड़े आराम तक पड़े हो गए। विकास वार्ड में देखिए इतनी गली गंदी पड़ी, सीवरेज खुले पड़े, इतनी समस्या, गंदा पानी इस वार्ड के अंदर। और फिर बात करी ये लेता हूँ उधर दे, यही पता ले। अच्छा फिर क्या कर दोगे? जो आप कहो वही कर देंगे। अच्छा किसका मोल लग रहा? सुल्तान का लग दो। सुल्तान जानिया का क्या, साइकिल वाला का? जानिया का, जानिया का चढ़ता सूरज। हाँ ठीक है, और कितना चढ़ाओगे देखिए कितनी। इस टाइम वो वार्ड नंबर एक अंदर खड़े हैं, ठीक है। आपने के कुछ विकास लगन लग रहा? नहीं विकास हो रहा, कोई नहीं विकास हो रहा है, कहूँ लगे दम तोड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और कैथल के वार्ड नंबर एक के अंदर हम खड़े हैं, जहां पर विकास के मामले में सब तक लास्ट में ये वार्ड आवेगा। पर कैमरामैन ने कहूंगा दिखा दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वार्ड की शुरुआत तो यहाँ से हो गई है, लेकिन विकास चलते चलते यहीं पर अपनी हिम्मत मार गया है। तो विकास यहीं पर दम तोड़ चुका है, जिस तरह से सीवरेज की सबसे खस्ता हालत यहाँ पर है, सीवरेज भरे पड़े हैं। तो मेरे साथ, मैं कैथल बैग न्यूज से अजय और सनी प्रजापति मेरे साथ हैं कैथल की कुर्सी से जी। और सबसे बड़े कॉन्फिडेंस की बात तो ये है कि इतना विकास जिस एमसी ने करवाया था वो एमसी इस बार दोबारा से मैदान के अंदर है। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस बार के सर्वे, क्या कुछ कहते हैं वार्ड नंबर एक के। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरण सिंह भाई। चरण सिंह जी, कैसा माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो भाई साहब काम तो करते कोई बंदे कोई भी। अच्छा जी, कोई काम नहीं करते किसी भी प्रकार का, काम नहीं आज तक कराया, जो भी मैंने बनाया या चुनिया। अच्छा, काम नहीं करे किसी ने भी, जो भी है बनने के बाद अपना बैठ के दोबारा फिर खड़े हैं, दोबारा फिर आ जाए। इलेक्शन है, वोट तो देनी पड़ेगी, घर तो रख नहीं सकते। क्या समस्या है वार्ड की? आप समस्या बहुत है वार्ड के अंदर, एक तो गली नहीं बनवाते, फाड़ते हैं, चिक्कड़ खड़े हो जाए, गलियां बरसात हो जाए, पूरी भर जाए, मेन होल के ढक्कन टूटे पड़े हैं, और सीवर मतलब की कई साल में ई सफाई हुई है जाकर। अच्छा, एक मेन होल है जो हमारी गली के अंदर, एक समस्या बहुत बड़ी है, हमारा एक मेन होल है बिल्कुल सड़क के ऊपर, जिसमें गली के अंदर आना पड़ा है, और मेन बीच के अंदर मेन होल है, वो कड़कन टूटा पड़ा रहा। ईब जाकर दो तीन दिन हो गए, ईब लग गया वो जी। हमारी सबकी मांग है कि ठीक है भाई साहब, आपकी मांग यही है कि समस्या, ये छोटा सा बच्चा है, मांग बता दे। चलो हमारी मांग ये है कि वो शिविर है ना दूर करा जाए। ठीक है, और दूसरी, अच्छा दूसरी बात हमारी मांग है, आज 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 की नहीं है, 25-30 साल पुरानी मांग है कि हमारा एक प्राइमरी स्कूल यहाँ खुल जाए वार्ड के अंदर, क्योंकि बच्चे सड़क पार करते हैं, सड़क पार करते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, आज हम इससे भी बातचीत करेंगे, ये थोड़ा एक्टिव लग रहा है। हालांकि इसका वोट नहीं बना हुआ लेकिन एक्टिव है बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, विकास नाम। विकास, आपके वार्ड का विकास कैसे हो गया, आपको क्या लग रहा है? गंदगी। अच्छा, क्या क्या कमी लग रही है आपके वार्ड के अंदर? एक तो ये नाली नहीं साफ करा रहे। अच्छा, और ये अभी इसी बड़ा साफ कराया था, इसका अड़ंगा ये देखो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल बात। अरे कई बार ये लाइट भी फ्यूज हो जाती है, चलती नहीं है। अच्छा, पानी भी थोड़ा थोड़ा गंदा आता है कई बार। अच्छा, टूंटियों के अंदर पानी गंदा आता है? हाँ, कई बार आता है, कई बार आता है। तो फिर पीने के पानी के लिए कहाँ से लाते हो आप? यही बढ़ते तो यही है बस, रेत आता पीते उसमें, रेत आता उसमें। बहुत तेरी। अच्छा, विकास कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 9th। बिल्कुल, किसका माहौल आपको लग रहा है? माहौल कुछ पता है आपको? हालांकि ये सवाल इनसे मेरा पूछना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना एक्टिव होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ कि जनरल नॉलेज के लिए कि आपके वार्ड में कौन कौन खड़ा है, किसका माहौल आपको लग रहा है? संदीप कुमार को। संदीप कुमार, संदीप कुमार जिनका चुनाव चिन्ह मशीन है। ठीक
ठीक है बिल्कुल। हालांकि वोट भाई साहब का नहीं बना हुआ, लेकिन लोकतंत्र में एक जागरूक जो समझदारी होनी चाहिए वो जरूर बच्चे के अंदर है। ठीक है, ठीक है जी। ये भाई तीन उंगली इस भाई की तरफ हो गए, थोड़ा सा एक्टिव है। आ जाओ भाई, नंबर आपका। उंगलियां मत करो, उंगलियां मत करो। ये बताओ वोट आपका बना हुआ है? क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आपके वार्ड में देखो समस्याएं तो इतनी सारी हैं, अब ये बताओ उम्मीद किससे रख रहे हो आप, कौन समाधान करवा सकते हैं? देखते हैं भाई, अभी तो प्रचार और न लगा है, देखते हैं। दो तीन नए कैंडिडेट आए हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है। लेकिन ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि एक संदीप कुमार है जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो कितने बार चुनाव हारे हैं? वो तो फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट टाइम खड़ा, संदीप सर फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ है। अच्छा, वो सुल्तान है झैनिया। अच्छा अच्छा, सुल्तान जिनका हाँ। चुनाव चिन्ह साइकिल है? नहीं, सूरज है, चढ़े सूरज। वो भाई का भी थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, अबकी बार लग रहा है माहौल वो पूरी फाइट देगा, वो जीतने की भी शायद उम्मीद हो सकती है, क्योंकि उनके अब की बार लोगों को सहानुभूति भी है उनके साथ भाई, वो तीन बार हार चुके हैं, इस बार कॉन्फिडेंस नहीं, बराबर की टक्कर है, फाइट किसी की नहीं कह सकते, कोई एक तरफा नहीं है, वो बराबर। दो सुल्तान है क्या आपके वार्ड में? दो सुल्तान है, एक झैनिया है और एक जडोड़िया। चुनाव चिन्ह क्या क्या दोनों के? एक का साइकिल है, एक का चढ़ता सूरज है। ठीक है, तो आपका क्या कहना भाई, क्या नाम आपका बता दो? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार, वोट तो बना होगा आपका? हाँ जी। तो क्या उम्मीद करके वोट दोगे इस बार, क्या लगता है कौन समाधान करवा सकता है? जो विकास का कार्य करेगा वोट उसी को देंगे जी। कौन करेगा आपको क्या लगता है? दिल भान साहब, दिलबीर भान जी? नहीं जी। और कौन? उम्मीद फिर भी किससे कर रहे हो आप, आपके बीच लोग तो आते होंगे? आते हैं जी। क्या समस्याएं गिनाते हो आप उनको? उनको सारी समस्याएं गिनाते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। अच्छा अच्छा, करते हैं करते टरका देते हैं, करते कुछ नहीं करेंगे क्या जी? तुम कहते हैं करते हैं करते हैं, टरकाने वाली बात होती है। चलिए, जनता है, जनता की अपनी समझदारी है, और अपनी समझदारी के नाते अपना अपना विजन सब रखते हैं, मगर जरूरी है कि इनका विजन लोगों को भी समझ आए, और समझ आने के बाद ये अपने मन मुताबिक ये निर्णय कर पाएं कि वोट इनका कहाँ जाएगा। जी सनी, फिलहाल आप देख सकते हो ये वार्ड नंबर एक के अंदर हम खड़े हैं, और अभी और भी सर्वे हम आपको दिखाएंगे, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जिनकी वोट है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में वार्ड नंबर एक को लेकर के फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वार्ड के अंदर इतनी सारी समस्या देखने को मिली है, इस बार आपको क्या लगता है? इलाके समस्या नहीं रहनी है। अच्छा, माहौल किसका लग रहा है आपने? हाँ, माहौल माहौल तो भी सारे बराबर लग रहे हैं, मतलब सारे बराबर के लग रहे हैं। सारे बराबर है? अच्छा, कितने बराबर? बस कंपटीशन का है, दो दिन का। किसका कंपटीशन, किसके खिला है? बस बान का, इसका संदीप गल्लो, जो पहला था। हाँ, संदीप गल्लो। लोग तो बोल रहे हैं उसने कुछ खास काम नहीं करवाया आपके यहाँ, समस्याएं भरी। तो भाई करावा, सारे नहीं मैं करावा है। दलबीर बार ने काम करवाया? पता नहीं करवा रहे, ढूंढ बनवा दिया लोगों को। अच्छा भाई, एक वोटर तो ऐसा मिला भाई जिसने न्यू कहा कि भाई काम करवाया। एक लाला जी, उन तक बातचीत करेंगे। हालांकि क्या नाम है आपका? गौरव गोयल। क्या मोल लग रहा है गौरव जी? मोल गया जी, कोई काम नहीं है। देखो पीछे, देखियो कैमरा दिखाइए भाई पीछे। हाँ, दिखा दी थी वो समस्या, सीवरेज भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो नहीं है तो पूरे साल ऐसे, अब तो गर्मी ज्यादा हो रही है, सूख नहीं पा रहे, मतलब सूख जा रहे हैं पानी, और ये तो यहाँ तक फैल, सारा दूर तक फैल जा पानी। अब बारिश आएगा तो फिर खुशबू आएगी आप तक ज्यादा आ जाएगी। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे ना, कोई भी चेयरमैन ने कभी की सुध नहीं ली किसी ने, कभी किसी एमसी ने सुध ली। अच्छा, एमसी जो पिछली बार खड़े थे, इस बार भी वही खड़े हैं? किस दम पे खड़े हैं, मैं यूँ सोच के टेंशन में हूँ। उससे मिलेंगे तो उससे बातचीत करेंगे कि भाई किस मुद्दे से लेके इस टाइम मैदान के अंदर है। भगवान जाने सा क्या क्या समस्या उसके साथ, मेरे ख्याल से तो वो तो अब की बार अकेला ही जाएगा वोट मालने उसके साथ भी कोई जाएगा नहीं। नहीं नहीं, समीकरण होते हैं कि भाई इस थोड़ा सा कास्टिज्म चलता है ना, कि भाई हमारे कास्ट की इतनी वोट है, उसके दम पे बंदा खेलने की कोशिश करता है, क्यों आ जाए? बिल्कुल, लोग विकास समाज विशेष को। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो भाई वो तो जीतेगा ही नहीं। संदीप कुमार, संदीप कुमार है लड़का, वो बढ़िया बंदा है, उसके चांसेस है। ठीक है, चुनाव चिन्ह जिसका मशीन है, मशीन वाले की भाई ज़्यादा वाहवाही चल रही है अभी तक, जितने भी अपन बातचीत करें तो अभी अपन और लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसी वार्ड तो हो गए, इसी वार्ड तो भाई साहब देखो कितनी यो सीवरेज है देखो, और पूरे आराम तक पड़े हो गए। विकास
विकास देख लो भाई, हम वार्ड नंबर एक का भाई साहब, मेरे ख्याल से आदतें पड़ गई होगी इतनी बदबू में रहने की, सही कहूँ कि गलत कहूँ? बदबू हुआ तो ठीक है, बदबू तो इब्बो ये करे है, पहले तो साफ था ना ना, मैं जिस तरह सीवरेज खुले पड़े हैं, गंदगी है है ना, सफाई गंदगी सफाई नहीं है, सफाई नहीं है ठीक है। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? निशान। इसका क्या मोल लग रहा है आपने? मैं यहाँ वार्ड का कौन है, पूरा वार्ड का नहीं। चलो भाई साहब, और भी लोग था बातचीत करेंगे किस तरह के, कुछ इनका कहना। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है अपना? जागर। है जी? जागर सिंह। जागर सिंह, वार्ड के अंदर इस टाइम किसका क्या मोल लग रहा है आपने? ये वाला बराबर सा काम दिखा है। बराबर सा काम। दलबीर बान। जिंदाबाद। जिंदाबाद, अच्छा क्यों जिंदाबाद है, क्यों जीता हुए? कुछ काम करा रखे हैं उन्होंने, मतलब आपका वार्ड में कुछ काम हो रहे हैं के? तो हम इसके मैं भर हो गए मेरी नहीं तो बताओ ना ना, इसका पानी पीना, पानी पियो ना, पानी तो पी लेंगे तो ना, मर जात का ना ब्यादरीगा उसने जितिया देंगे ब्रो एक बार और जितिया देंगे तो वार्ड में देखिए इतनी गली गंदी पड़ी, सीवरेज खुले पड़े, इतनी समस्या, गंदा पानी नहीं इस वार्ड के अंदर। और फिर बात करी ये लेता हूँ उधर दे, पता ले ये खोल रहा है, ये वाली है के ये खोल रहे हैं ना। अच्छा सीवरेज। अच्छा अब गए बंदे में। अच्छा तो भाई इसी बात नहीं है, दलबीर बान का भी वर्ष अभी भी बाकी है। तो भाई साहब गेम खेलना लग रहे, इस तरह पूछ रहे आप क्या नाम है आपका? नाम मोनू है। मोनू भाई साहब किस तरह के मोल लगा अपना? हाँ लगता तो भाई जिस तरह बराबर का। किसका बराबर का? यहाँ ही जोन से उठ रहे हैं सब, ने न्यू आवे जीत जाएंगे, सारे ही टक्कर है। हाँ सारे ही टक्कर है बेटा, सारे ही सोचा भाई हम जीतेंगे सारे। नहीं आपने के मोल लग रहे हैं आपने? ना अल्लाह तो चार बंगे अल्लाह पूरा कोई कह नहीं सकते, मतलब न्यू है भाई, चारों में तो कोई सब जीत सके, चारों में तो कोई भी जीत सके भाई। तो लगभग बराबर बराबर सा माहौल चल रहा, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी, तो और लोग भी अब बातचीत करेंगे। राम राम जी, के नाम है जी अपना? शमशेर है जी। शमशेर है जी, आपका वार्ड में की क्या समस्या है पहले तो ये बताओ जी। ठीक है जी, समस्या तो कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं। अच्छा इसका जो कर इलेक्शन चल रहे हैं तो क्या लगा आपने, किसका माहौल है आपके यहाँ? इस बार तो अल तक तो किसी का माहौल नहीं, अच्छे दिन सारे का अच्छा चल गया, सारे का अच्छा चल रहा, मतलब सारे बराबर में है। हाँ बराबर में, सारे बराबर में है। कौन सा बराबर नहीं बताया जो? दलबीर बान भी, संदीप भी, एक सुल्तान भी, ये सारे बराबर में चल रहे। दो सुल्तान है, कौन सा सुल्तान? ये जनिया सुल्तान आगे चल रहे हैं, जनिया सुल्तान आगे चल रहे। अच्छा फिर के देखो आप, आपका वार्ड में वोट पड़ेंगी, कोई सा नुमाइंदा ना बनाओगे कि वार्ड का विकास हो, या फिर पहले में ट्राई करोगे, मतलब क्या लगा आपने? ये अभी तक तो क्या पता भी, पब्लिक के हाथ में, ये तो पब्लिक के हाथ में है। और आप क्यों पब्लिक नहीं हो कि क्यों? नहीं पब्लिक तो है, फिर मैं भी बीमारी वोट से, एक तो वोट से तो बनता नहीं कोई भी, एक के वोट से तो बने कर रहा है, एक वोट से तो बनता नहीं कोई। पिछले एमसी ने कुछ करवा रखे आपके यहाँ? हाँ बहुत कुछ करवा, थोड़ा गिना हो के करवा दिया, ये सड़कें भी करवा रखी हैं, टूटी पड़ी थी पाछे तो सड़क। हाँ सड़क भी करवाई हैं। अच्छा पाछे टूटी पड़ी थी, सीवरेज भी भरे पड़े थे, पानी भी टूटियाँ का टूटियाँ का भी पानी ले आया है। अच्छा एक बात हो रहा है भाई, मेरे ख्याल सीवरेज का तो पूरे के पूरे शहर में दिक्कत है यार, गलत डले हुए हैं मेरे ख्याल से, 6-6 इंच पाइप डले है जिसका, मैं तो पन्ने भी फंसा है। ठीक है तो ये माहौल लग रहा है अपने, किसका लग रहा है? एक तो के माहौल है, देखो भी किसका माहौल आवागा, फिर भी कुछ नहीं कह सकते जी, हम तो काम पर हूँ जी, शानदार है हाल तक तो, मैंने फुर्सत नहीं मिली, 7-8 बजे फुर्सत मिलेगी ना, दो का सोने की रहा, फिर किसका देखा मोल जी। अच्छा फिर वोट देने देने के सोचोगे आप? किन मुद्दे पर वोट देने देखेंगे जी? आप वोट देने देने भी देखेंगे, किस आदमी देखे सोचो भाई, पढ़िया लिखा हो, एक तो एक छवि सी बना रखी हो दिमाग में, हम सुल्तान जी आना था वोट देंगे जी। अच्छा हाँ जो तीसरी 3 बार आ रही है, चौथी बार देखो बनाएंगे उसको सुल्तान। ठीक है चुनाव चिन्ह उसका, उसका चढ़ता सूरज है जी, चढ़ता सूरज। पोस्टर कम लग रहे हैं भाई उस सुल्तान के, चढ़ता सूरज के हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा फिर क्या कर दोगे? जो आप करोगे कर देंगे हम। अच्छा किसका मोल लग रहा? सुल्तान का लग दो, सुल्तान जानिया का, क्या एक साइकिल वाला का, जानिया का, जानिया का चढ़ता सूरज। हाँ ठीक है।
और कितना चढ़ाओगे देखिए कितनी तो पोस्टर का मैं पोस्टर लग रहे बड़े बड़े और फरन है आ दिखाऊंगा तेरा देखो कड़न है ए और लग रहा भाई एक पोस्टर सारे का बराबर है देखना परा चाहिए और या देख परा लिखना चाहिए ओ परा लिख रहा देख ले भाई सुल्तान भाई का वो लग रहा पोस्टर चढ़ता सूरज बाकी पूरी गली में छोटे छोटे पोस्टर लग रहे हैं लेकिन उसका एक के पोस्टर सारे पोस्टर के बराबर और ये सर्वे करने का एक बिल्कुल रैंडमली तरीका जो भी रास्ते में मिल रहा है सबसे हम पूछ रहे हैं क्या नाम है जी अपना दिलबाग जी दिलबाग जी अब की बार फिर किन मुद्दों में वोट दोगे जी आप जी बाजीगर को दिया गए बाजीगर को सुखविंदर को कुलविंदर बाजीगर है कुलविंदर को जी गाड़ी है उसका चुनाव चिन्ह हाँ जी हाँ जी गाड़ी है ठीक है वही क्यों मतलब के विजन पसंद आया उसका एक तो वो क्योंकि पहले बहुत सारे प्रत्याशी हैं सारे बर्थ का देखे जी कोई नहीं बर्थ का देख लिया सब बर्थ का देखे जी पहले मोबाइल उसको देखो और दिखाओ अच्छा अच्छा जो सुल्तान है जैनिया चढ़ता सूरज हाँ उस ते लोग ज्यादा सहानुभूति जोड़ रहे हैं उसके लिए भाई यू हार लिया इस बार जीते अरे को जी मेरा क्या जी मरोड़ है उसके पास दुखता नहीं है जो आराम आराम करेगा सब कोई बात नहीं है अच्छा सब मरोड़ है मरोड़ है जी और क्या जी दुखता नहीं अगला ठीक है लेकिन ये वो जब वोट मांगने के लिए आपके पास होगा पैर जोड़ा इब तो जुड़े अब तो जुड़ा है पहले किसी राम राम नहीं करता किसी से ठीक है जो पैरा मौकर राम राम करा तो वोट मिलेगी अरे गलती सलती माफ कर देगा जी आपके लगाए गलती सलती क्या माफ करना चाहिए पहला तो एक तो कोई भी आप सारे आप तो ठीक है पैर पकड़े तो बदलेगा बदलेगा तो ठीक है ठीक है ले भाई वोटर का दिमाग है वो ठीक है अजय भाई इस टाइम वो वार्ड नंबर एक अंदर खड़े हैं ठीक है आपने के कुछ विकास लगन लग रहा नहीं विकास हो रहा कोई नहीं विकास हो रहा है कहू लगे दम तोड़ रहा है तो वार्ड एक ते सोचे कर भाई वार्ड एक ते विकास शुरू हो गया और उरे आंदे आंदे उसे दम तोड़ दिया भाई एक केमिस्ट डॉक्टर भाई साहब की दुकान है डॉक्टर साहब बैठे मेरे ख्याल से सारे वार्ड का उरे आना जाना लगे रहा है मोहल्ला क्लिनिक टाइप जी ठीक है डॉक्टर साहब नाम क्या आपका तरसेम चंद जी बहुत बढ़िया किसका गेम मोल लग रहा है आपने सर जी मोल तो फिलहाल सभी का है सभी का तो उसमें पता लगेगा 19 तारीख को पता लगेगा आप कैसे अब तक किस तरह के मुद्दे हैं और अभी तक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमी शमी की है कमी कोई नहीं है दलवीर बान जी ने बहुत बढ़िया काम किया अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा वहाँ तो सीवरेज ब्लॉक थे इतना विकास हो रहा है पानी भर जाए वो सड़क वाला पानी सारा वार्ड में आ जाए बात तो ये है जो नालियाँ बनी हुई है नाली अंडर नीचे के पाइप दब रही है ये सारी ब्लॉक है इस वजह से इसमें वो है खुलेंगी किस तरह खुलवा हुआ कौन MC तो फिर दलबीर बान MC था आप उससे संतुष्ट हो देख संतुष्टि की बात इस मान तो एक बार कह रहा हमारे तो नाली ना खुलवा दी थी अच्छा नाम आपने के बताया दलवीर बान जी आपका के नाम मेरा नाम तरसेम चंद बान तो नहीं 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 अच्छा महागरे बान नहीं नहीं बान वोटर है वोटर अलग अलग मंसूबों से सोचता है चाहे वो एक समाजवाद हो या जातिगत पहलू भी हो तमाम तरीकों से एक वोटर सोचता है कि और जिससे उसकी विचारधारा मेल खाती है जाहिर सी बात है उसी को वो अपना मत देता है बिल्कुल और इस समय हम वार्ड नंबर एक के अंदर गली नंबर 3 के अंदर हम खड़े हैं और यहाँ का हम सर्वे कर रहे हैं और भी हम आपको सर्वे दिखाएंगे लेकिन फिलहाल इस सर्वे का नतीजा आपको क्या लग रहा है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना और यहीं से हम विदाई लेते हैं बिल्कुल अजय जी क्योंकि तपती धूप के अंदर मेरे ख्याल से अभी लोगों का आना जाना बिल्कुल कम है और सब अपने अपने घर में इस समय कूलर चला के सो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लोगों से भी निवेदन है जरूर अपने मतों का प्रयोग करें लेकिन उन मतों का प्रयोग करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी प्रत्याशी है वो आपके मुद्दों के प्रति कितना सजग है फिलहाल कैथल की कुर्सी और कैथल बैग न्यूज से मैं अजय सनी प्रजापति के साथ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।